प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कि गुडविल से संबंधित जर्नल एंट्रीज कैसे ली जा सकती है। वैसे तो कोई भी जर्नल एंट्री है उसके सिद्धांत तो डबल एंट्री सिस्टम्स के ही होते हैं, बट जो गुडविल है ना वो दिखाई ना देने वाली एसेट है। देखो जैसे ये लैपटॉप मैंने देखा, इसको मार्केट से मैं लेके आया तो इसकी 25,000 पेमेंट मैंने दी है, बट जो गुडविल है वो ऐसे दिखाई नहीं देती फिजिकली। बट जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से, सच्चाई से, नेकदिली से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, सभी के साथ, डीलर के साथ, सप्लायर के साथ उसका अच्छा व्यवहार होता है तथा सभी से प्रेम प्यार से बात करता है, तो उसके समय के हिसाब से एक गुडविल बन जाती है, एक रेपुटेशन बन जाती है, एक नाम बन जाता है, तो उसकी एक वैल्यू होती है। जब वही व्यक्ति अपना बिजनेस बेचता है तो उस गुडविल के अलग पैसे मांगता है, तो जब आपने खरीदना है तो पेमेंट गुडविल की पे करनी है। तो सबसे पहले है जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट, व्हेन यू बाय बाय द गुडविल, आपने गुडविल को खरीदा, आपने किसी बिजनेस को खरीदा या उसको मर्ज किया, तो आपको एक पेमेंट एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी उसकी एसेट्स की जितनी वैल्यू है मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा। तो पेमेंट हुई है गुडविल की, हमारे बिजनेस में गुडविल आई है, किसी का नाम, किसी की रेपुटेशन आई, उसके बेस में हम ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते हैं विदाउट सिक्योरिटी दिए, तो ये हमारी एसेट इंक्रीज हुई, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया और पेमेंट गई है कैश या चेक से हुई है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। दूसरा, मान लो कि हमने गुडविल खरीदी है 5 लाख की और गुडविल समा बीता 5 साल, 6 साल, 7 साल हमने बिजनेस किया, उसका वही सेम बिजनेस हमने सेल कर दिया, तो सेल किया तो हमें इसी गुडविल के पैसे भी लेने हैं। मान लो कि अब ये 5 लाख थी, हमने भी उसमें अपनी रेपुटेशन, अपने अच्छे विचार, अपने अच्छे बोलचाल उसमें ऐड किया, तो इस गुडविल की वैल्यू मान लो 6 लाख बन गई है। तो व्हेन वी सेल गुडविल एट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेची है तो हमारे पास कैश आ गया, बैंक आ गया, अकाउंट डेबिट, ऐसा तो हमारी कैश आ गई ना हमारे पास। मान लो 6 लाख की बेची है तो ये 6 लाख 200 में बढ़ जाएगा, 5 लाख की गुडविल थी ठीक, और 1 लाख ने प्रॉफिट लिया 1 लाख, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये जो बुक वैल्यू थी ये कैंसिल हो गई, हमारी बिजनेस की बैलेंस शीट में अब गुडविल नहीं है क्योंकि क्रेडिट हो गई, पहले डेबिट थी अब क्रेडिट हो गई, और साथ में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुडविल ये क्रेडिट हो गया तथा इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में एज इनकम। तो इस हिसाब से लास्ट में हम तीसरी एक एंट्री और पास कर देंगे, उसका नाम है थर्ड, व्हेन गुडविल विल एम्पायर। इसका मतलब है कि जब एक्सपायर हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है बुक वैल्यू, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए लॉस शो कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो कि आपकी गुडविल है, आपने सेल नहीं किया, मान लो ठीक है आपकी 5 लाख की है, अब मार्केट में उसी गुडविल की 4 लाख वैल्यूज है, तो 1 लाख जो बुक वैल्यू थी उससे कम हो गया, आपने बेची नहीं है, पर मार्केट कह रही है कि आप कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपके इम्प्लाइज हैं उनको गलत बोलते हैं, जो कस्टमर आता है तो धीरे धीरे आपके कस्टमर कम हो गए हैं, उसके हिसाब से आपकी गुडविल कम हो गई है। तो कैलकुलेशन हमने किया, हमारी 4 लाख गुडविल बनती है तो 1 लाख का लॉस है, तो लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, लॉस ऑन गुडविल
एम्पायरमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, मान लो 1 लाख का लॉस है और इसको हम क्रेडिट कर दिया गुडविल अकाउंट, अकाउंट क्रेडिट। तो ये बेसिक तीन जर्नल एंट्रीज हैं जो गुडविल की है, वेदर इट इज इंडिविजुअल बिजनेस है, वेदर इट इज ए पार्टनरशिप, वेदर इट इज ए कंपनी। तो जब हमने गुडविल खरीदना है तो उसकी एंट्री है, जब हमने गुडविल को सेल करना है उसकी एंट्री है, जब गुडविल की वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्योंकि हमें इसके ऊपर एनुअल डेप्रिसिएशन तो होता नहीं क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है, तो हम इसके ऊपर लॉस शो करते हैं, लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डेबिट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।